Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Namaskar, main Zia aur aap dekh rahe hain fastbite.tv. Aaiye ruk karte hain ab tak ki kuch khaas khabron ki aur. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया विधिपत पहली रैपिड एक्स का उद्घाटन। रूस मिसाइलें और ड्रोन भी सेकंडों में फेल। अमेरिकी युद्धपोत ने रोकी इजराइल में बड़ी तबाही। पंजाब में आज रखी जाएगी दूसरे सबसे बड़े स्टील प्लांट की नींव। गाजा में अस्पताल के बाद चर्च पर हमला, बच्ची और महिला की मौत। हिंसाग्रस्त मणिपुर में सुरक्षा बलों की कड़ी कार्रवाई, तलाशी अभियान से भारी मात्रा में हथियार जब्त किए। अब खबरें विस्तार से। आज देश को पहली रैपिड एक्स ट्रेन मिल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 11:30 बजे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTX कॉरिडोर के 17 किलोमीटर लंबे हिस्से का आज उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैपिड एक्स को नमो भारत का नाम दिया गया। ट्रेन 21 अक्टूबर यानी शनिवार से आम लोगों के लिए शुरू हो जाएगी। अमेरिकी नौसेना के एक युद्धपोत ने यमन होती विद्रोही की तरफ से लॉन्च की गई क्रूज मिसाइलों और ड्रोनों को मार गिराया है। ये मिसाइलें और ड्रोन संभावित रूप से इजराइल को निशाना बना रहे थे। पेंटागन ने गुरुवार को कहा कि यूएसएस कर्नी अल्केबर्ग क्लास युद्धपोत उत्तरी लाल सागर में काम कर रहा था, तब उसने बड़े हमले को नाकाम कर दिया है। पंजाब में टाटा के देश के दूसरे सबसे बड़े स्टील प्लांट की नींव आज रखी जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस प्लांट का शिलान्यास करेंगे। ये प्लांट लुधियाना में लग रहा है। प्लांट 2400 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे 2500 लोगों को रोजगार मिलेगा। गाजा में अस्पताल पर बड़े हमले के बाद अब एक चर्च पर भी धमाका हुआ है। इसमें एक बच्ची और एक महिला की मौत की खबर है। फिलिस्तीन ने इस मौत और हमले की पुष्टि की है। धमाके के बाद चर्च में भगदड़ मच गई। तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। लोग हमले के बाद सदमे में आ गए। हमास ने भी इसको लेकर बयान जारी किया है और आरोप लगाया है कि इजराइल फौज ने चर्च को टारगेट किया। मणिपुर के इम्फाल पूर्वी जिले में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि इम्फाल पूर्वी जिले के संगोलमांग पुलिस थाना क्षेत्र के तहत शांतिपुर खामेन लॉक और वाकन इलाकों में गुरुवार को हथियार और गोला बारूद जब्त किए गए। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी।